मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सक्सेस शब्द के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए खूब पैसे कमाना सक्सेस है, जैसे कि करोड़पति बनना। कुछ लोगों के लिए कोई सम्मान प्राप्त करना सक्सेस होता है, जैसे कि अवार्ड्स या मेडल्स प्राप्त करना। कुछ लोगों के लिए खुशहाल और सेहतमंद रहना सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस के जो भी मायने हैं, सबसे सक्सेसफुल लोगों के इन 7 आदतों पे ध्यान दें। ये लाइफ के हर पड़ाव पे अप्लाई किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हों और सक्सेस के आपके लिए जो भी मतलब हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने देखा कि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन क्या लोग सक्सेसफुल इत्तेफाक से होते हैं? क्या हर किसी का सक्सेस होने के पीछे जो स्टेप्स होता है वो अलग होता है? तो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना और समझना चालू किया, तो मैंने देखा कि उन सभी सक्सेसफुल लोगों में, मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों में कुछ बातें कॉमन हैं, और वही बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे हैबिट्स जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं और आज के डेट में सक्सेस हैं, और यही अगर आप भी फॉलो करें तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले है गोल सेट करना। गोल सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप शायद किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिले होंगे जो सक्सेसफुल हैं और उन्होंने गोल सेट नहीं किया है, क्योंकि जब तक कि आप गोल सेट नहीं करेंगे, आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। और अगर आप यह नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है, तो आप उस रास्ते पर कैसे चलेंगे? आपके पास एक शानदार गाड़ी हो सकती है, एक शानदार शिप हो सकता है, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप उसी जगह पे गोल गोल घूमते रहेंगे। तो गोल सेट करना नंबर 1 प्रायोरिटी होता है, और जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सबसे पहले गोल सेट करते हैं। अब इस गोल को सेट करने के बाद अंत में कहाँ पहुँचना है, वो अगर हमने सेट कर दिया, तो उसके बाद हम लोग को यह सेट करना होता है कि उस बड़े गोल को हम छोटे छोटे गोल्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और मिनी गोल्स कैसे बना सकते हैं। ये जो मिनी गोल्स होते हैं वो हमारे एक एक कदम की तरह होते हैं, कि मैं एक कदम ये लूँगा, उस कदम पर पहुँचने के बाद वो कदम लूँगा। तो ऐसे मिनी गोल सेट करके हम उस मिनी गोल्स को अचीव करते करते उस मेजर बड़े गोल तक के पहुँच सकते हैं। नंबर 2 है सवेरे 5 या 6 बजे उठना, वेकिंग अप अर्ली। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि देर तक के सोना आपका अधिकार है, गर्व की बात है, पर सक्सेसफुल लोगों को पता है कि अपने रूटीन में एक छोटा सा बदलाव करने से वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स सवेरे 4 बजे उठ जाते थे। अभी उसी के CEO टिम कुक 4:15 को उठते हैं और ईमेल्स का रिप्लाई करते हैं। इंदिरा नुई पेप्सिको की CEO सवेरे 7 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन सूर्योदय के साथ सवेरे 5:30 या 6:45 बजे तक की उड़ जाते हैं। अरे, हमारे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सवेरे 4 बजे के लगभग उड़ जाते हैं। अक्षय कुमार, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार, आप देखते होंगे कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, आज तक तो उनका मूवी चलते आ रहा है। उनका कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और वो कभी भी सूर्योदय के बाद उठे ही नहीं, वो हमेशा सवेरे उठकर सूर्योदय ज़रूर देखते हैं। सवेरे अगर उठते हैं तो इस नेचर में, इस एनवायरनमेंट में नेचुरल एनर्जी होती है जो हमको सपोर्ट करती है प्रोडक्टिव और एफिशिएंट रहने में। वो कहते हैं ना कि अगर शुरुआत सही है तो आधा काम वहीं पर हो जाता है। तो अगर दिन की शुरुआत बहुत सही तरीके से हो जाती है, सवेरे जल्दी उठकर हो जाती है, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज तरीके से बिता सकते हैं। जो लोग सवेरे उठते हैं वो खुद के एजेंडे तय करते हैं, और जो लोग सवेरे लेट उठते हैं वो दूसरों के तय किए हुए एजेंडे पे चलते हैं। तीसरा, टेकिंग एक्शंस। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वो जो बड़ा सोच नहीं पाते, जो बड़ा सोचने से डर जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वो एक्शन नहीं ले पाते अपने एक्सक्यूजेस की वजह से। और तीसरे, जो पूरे दुनिया में 1% से भी कम है, वो लोग होते हैं जो बड़ा सोचते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक के आपका पूरा प्लान फेल है। इस वजह से डिटरमाइंड एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। तो अपने एक्सक्यूजेस को, अपने डर को हटा दो और डिटरमाइंड एक्शंस लो। 4th,
ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको स्कूल में फॉलो करना होता है या कॉलेज में फॉलो करना होता है और आपको लगता है कि डिसिप्लिन एक बकवास है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखते हैं तो सब में ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अपने आप को कैसे मैनेज करना है, आपको ये तो पता चल गया है कि आपको क्या करना है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है और आपको नेसेसरी सेक्रीफाइसेस देने होंगे। फैमिली, लव, एंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ललचाएंगे, आपको लालच देंगे, लेकिन आपको अपने बॉडी और अपने माइंड से थोड़ा सा दूरी बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि किस समय कितना ज़रूरी है और उन सब चीज़ों को उतना ही करें। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट समझना होगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसमें से 6 से 7 घंटे सो जाते हैं। चलिए हम समझते हैं 8 से 10 घंटे आप कुछ काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अभी भी आपके पास 24 घंटे में से 17 घंटा ही यूटिलाइज हुआ है, 7 घंटे बच गए हैं। उन 7 घंटे में चलिए हम ट्रैवलिंग में या खाने पीने में हम लोग 2 घंटे और दे देते हैं, तो हम लोगों के पास 5 घंटे अभी भी बच जाते हैं। वो 5 घंटे को आप क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं और वो जो बचा हुआ 5 घंटा है उसको भी अपने यूज़ में लेकर आते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। फिफ्थ, एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन ये आपको एक स्पिरिचुअल बकवास लग सकता है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहते हैं। कुछ ऐसे भी मेडिटेशन होते हैं जिन्हें सिर्फ 15 मिनट करने से आपको 3 से 4 घंटे के बराबर का आराम मिलता है, जो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। सिमिलरली एक्सरसाइजेस एंड योगा टेक्स अवे लेथार्जी फ्रॉम योर बॉडी एंड कीप यू एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो सवेरे सबसे पहले एक्सरसाइज या योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। सिक्स्थ, सक्सेसफुल पीपल रीड एंड दे रीड अलॉट। सबसे सक्सेसफुल लोगों का पसंदीदा हॉबी में से एक है बुक्स पढ़ना। आज के ज़माने में जहां लोग 2 मिनट के लिए अकेले होकर बोर हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, वहीं सक्सेसफुल लोग एकांत की तलाश में होते हैं ताकि वो खुद को ग्रो कर सकें, बुक्स पढ़ सकें, सेल्फ एनालिसिस कर सकें। बुक्स पढ़ने से आपका दिमाग ऐसे ऐसे आयाम में बढ़ता है कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। आपकी वोकैबुलरी तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपका मेंटल स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होगा कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने पब्लिक से शेयर किया है कि रीडिंग उनकी पसंदीदा हॉबी में से एक है। बिल गेट्स तो हमेशा आए दिन अपने यूट्यूब चैनल में मोस्ट फेवरेट बुक को भी बताते रहते हैं, ऐसे ही मार्क जकरबर्ग भी फेसबुक में अब ये शेयर करते रहते हैं कि उन्होंने इस मंथ कौन सा बुक पढ़ा है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता तो आप कोई डिसेंट सा नॉवेल से पढ़ना चालू कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो और मेंटल स्ट्रक्चर भी ग्रो कर सके। नेवर से नेवर। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। दिस इज द सिंगल मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल। वो कभी भी हार नहीं मानते, फेलियर से वो हताश नहीं होते, वो उससे सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा भी था कि जैक मा फेलर से कैसे सीखते हैं। किसी भी सक्सेसफुल पीपल से पूछ लो, फेलर सिर्फ ज़रूरी नहीं है, वो गोल्डन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उससे सीखते कैसे हैं। जब भी हम रास्ते में आगे बढ़ते हैं, एक बात तय है कि कुछ ब्रेकर्स आएंगे, पर हमको उससे सीखकर आगे बढ़ना है। अगर आपने अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट आपके आसपास के लोगों को भी मिलता रहे तो इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों तक के भी ज़रूर पहुँचाएँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से उनकी ज़िंदगी बदल जाए। आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ करके बनाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहते हैं तो हमारे एक और चैनल द फोटोहोलिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।